साथ मारपीट हुई है, क्या कुछ हुई है पूरी घटना? मेरे पति जा रहे थे तो थाने परिसर के अंदर उनको, थाने परिसर के बाहर उनको रोकाया गया, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जब वो थाने के अंदर भागे तो लोग, विधायक राकेश प्रताप सिंह जो सपा के विधायक हैं, वो उनके और दोस्त, उनके और साथियों ने, डीके श्रीवास्तव, रणवीर सिंह ने, सब लोगों ने मिलकर मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया थाने परिसर के अंदर। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री जी, दीदी स्मृति ईरानी जी से सबसे अपील करती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलाएं, इनके ऊपर सख्त से सख्त मुकदमा किया जाए। मैं अपील करती हूँ पूरी जनता से कि इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। किस तरीके, जिस तरीके से लगातार एक दिन बचा है नगर निकाय चुनाव का, क्या लगता है कितनी जो है, क्या आपका क्या कहना है, किस पे किस तरीके से क्या कहना चाहती हैं? जनता पूरी एक तरफ है, बीजेपी पार्टी हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, पूरी जनता मेरी तरफ है। इसी बौखलाहट के चलते राकेश प्रताप सिंह जी ने मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला कराया। मेरी अपील है सबसे कि आप उनको मुंहतोड़ जवाब दें, वो सब वक्त आ गया है कि उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। राकेश प्रताप सिंह ने कहा है कि आपके पति ने उनके ड्राइवर के ऊपर तथा उनके भतीजे के ऊपर हमला किया था पहले ही, जिसको लेकर वो धरने पे बैठे थे। कुछ नहीं, वो सब उनकी बौखलाहट है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो हारते हुए दिख रहे हैं, इसलिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं। थैंक यू। गोली पिछले 15 दिन से मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है और कार्यकर्ता समर्थकों की गाड़ी तोड़ी जा रही है, कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के गालियां दी जा रही है और भगाया जा रहा है। मैं लगातार पुलिस को तहरीर दिलवा रहा हूं, उनके द्वारा लगातार फ़ोन करके उनसे अनुरोध कर रहा हूं। मेरे स्वयं की गाड़ी के सामने प्रत्याशी के पति द्वारा 3 गाड़ी लगा दी गई 3 दिन पहले और अभद्र व्यवहार किया गया। मैं और प्रियंका हरविजय तिवारी धीरू तो दोनों अपनी इज्जत बचा के वहाँ से चले आए, पर कल सुबह मेरे 4 कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशी या प्रत्याशी के सहयोगी जो HF हैं थाने के, उनको गाड़ी में बिठा के अपहरण करके अलग अलग जगह पे पीट दिया गया। तहरीर लेके लोग घूम रहे हैं, 5:30 बजे तक कोई FIR नहीं लिखा गया। तो लोकतांत्रिक ढंग से कोविड नियमों का पालन करते हुए 4 लोग, हम पीड़ित और मैं, अनशन पर बैठे। और जब CO और FDM आए मुझसे वार्ता के लिए तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं बाहर सुरक्षित नहीं हूँ, मेरा परिवार बाहर सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था करिए। दुनिया भर की इधर उधर की बातें करते रहे। सुबह अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक आए, मैंने उनसे भी बात किया और बात करके 15 मिनट बाद वो गए और मेरे घर के सामने मेरे मैनेजर को पीट दिए, थाने के गेट के सामने मेरे सगे भाई ब्लॉक प्रमुख के पति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, थाने के अंदर हमारे सगे भतीजे पे हाथ उठाया गया, उसके हाथों में बड़ी चोटें आई और मुझे पे भी हाथ उठाया गया प्रत्याशी के पति द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा। मैं अब थाने में भी सुरक्षित नहीं हूं, तो आप लोगों के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि अब कहां सुरक्षित हूं। विधायक जी, आज थाने में क्या वजह रही, क्या हुआ जो थाने में? मैं थाने के अंदर धरने पर बैठा था, थाने के गेट के बाहर दीपक सिंह द्वारा मेरे भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ। मैं एक मेरे मैनेजर को जबरदस्ती, जिन लोगों ने पीटा 3 गाड़ियों के साथ, उनको पकड़ के ना मेरे मैनेजर को थाने में ला के बंद कर दिया गया। मैं उससे हालचाल पूछ ही रहा था कि थाने के गेट पे मेरे भाई पे गाड़ी चढ़ाई गई और अंदर गाड़ी लाके, गाड़ी खड़ी देखे किस तरह से प्रत्याशी के पति ने कहाँ ला के गाड़ी खड़ी किया। मैं विधायक होकर यहाँ तक कभी गाड़ी नहीं लाया था और यहाँ आके मेरी माँ बहन की गाली दे गई और मुझ पे हाथ उठाया। कितने लोग चोटिल हुए हैं आपके पक्ष से? और यहाँ से निकलने के बाद मेरे सगे मामा के लड़के को बहुत बुरा मार दिया है, उसको बहुत चोट आई है, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया, हेड इंजरी भी फाइट हुई है, अनकॉन्शियस लग रहा है। तो अभी 4 लोग संज्ञान में आए हैं, बाहर कितने लोग चोटिल हुए हैं इसकी जानकारी नहीं। पुलिस का क्या रोल रहा है पूरी घटनाक्रम में? पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है, वीडियो देखने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वीडियो सहित प्रूफ सहित मैं पुलिस को सारी जानकारियां दे रहा हूं। हत्यारे यहां घूम रहे हैं, अलग अलग जनपदों के टॉप 10 के अपराधी यहां घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी को मना नहीं करना चाहती है। पुलिस अब यहां केवल हत्याओं और हत्या करवाना चाहती है। हमको लगता है विधायक और विधायक के परिवार, तुम लोग चूड़ी क्षेत्र में चूड़ी पकड़ रहे हैं कि नहीं आ रहे? पिस्तौल उठा के गोली मार दूंगा यही अपने आपको। अब ये बात है कि पिस्तौल उठा के मार दूंगा।